जो मेंटल सिम्टम मैंने लिखा है वो आयोडीन की पॉइजनिंग में होते हैं, और जो भी मैंने सिम्टम बोले वो सब पॉइजनिंग के इम्प्रूविंग में इंक्लूड हुए हैं। एलेंस एनसाइक्लोपीडिया पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसमें जॉर्ज का नाम भी मिलेगा, समझा? पर हैनेमन ने आयोडीन इंट्रोड्यूस किया, तुम लोग को पता क्यों नहीं है? सब हैनेमन ने मटिया मेडिका कौन सी किताब में लिखा है? मटिया मेडिका प्यूरा एंड क्राइटेरिया फॉर डिजीज। क्या बोलो बोलो, मैं नहीं सुना इंडिया, इसके लिए पूछता हूँ। प्यूरा में लिखा और थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। वेरी गुड। सो ऐसा क्यों किया उसने? दो किताब में क्यों लिखा ऐसा? वजी नहीं तो क्यों लिखा सर? राहुल, व्हाई हैनेमन रोट मटिया मेडिका इन टू डिफरेंट बुक्स एंड देर आर एटलीस्ट 16 रेमेडीज विच आर ओवरलैपिंग। प्यूरा में भी लिखा, क्रॉनिक डिजीज में भी लिखा, ये ओवरलैप व्हाई? That means you are not read the preface of chronic diseases. किसने लिखा है प्रीफेस? गुरु बोला क्या? श्याणा हैरिंग रोट द प्रीफेस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। पढ़ा ही नहीं वो प्रीफेस कभी? तुम लोग ने भी नहीं पढ़ा प्रीफेस? भाई हैनेमन रोट इन टू बुक्स बिकॉज इन क्रॉनिक डिजीज ही हैज गिवन मटिया मेडिका ऑफ ओनली एंटी सोरिक रेमेडीज। जो रेमेडीज सोरा को वाइप आउट करेगी उसका ही मटिया मेडिका उसने क्रॉनिक डिजीज में लिखा, ऐसा वो बोल रहा है। देयर इज मटिया मेडिका प्यूरा has got pure symptoms of the provings that he made during his lifetime. And prior to that, he wrote another book on poisoning effect or toxicological effects of drugs known as fragmenta de viribus. De viribus. Shabash. So three books. One toxicology, one pura proving and antisodic remedies. तुम लोग मटिया मेडिका पढ़ते हो लेकिन बेसिक ही नहीं मालूम है तुम लोग। 16 remedies overlap. At least read the proving of China, Ipica, Coffea, Iodium, Sulphur. These are very, very important, interesting stories. How we got coffea, how many types of coffea are there, why he prefers to roast the coffee beans, why he doesn't want to grind the coffee beans. Sab likha hai. Historical things are very important to understand the efficacy of homeopathic drugs.